वेलकम बैक टू माई ट्यूब पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर है और बीए सेकंड ईयर का 2022 का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ये बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर जो हमने पहले से अपलोड कर रखा है और ये पेपर बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, जो जौनपुर में है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये पेपर 100 नंबर का बना था, वहां पूछा गया है उस यूनिवर्सिटी में, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन देखो, मैंने आपको फर्स्ट पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन पेपर में आए थे, उसी तरीके से सेकंड पेपर भी मैंने आपको दिया। लगभग बच्चे कह रहे थे, लगभग इसमें जो फंसे थे 60% मुझे बता रहे थे, 50 से 60% के बीच में फंसे हैं। आप बोलते हैं 85% इसमें सेकंड पेपर में नहीं बने, लेकिन जो फर्स्ट पेपर आपने दिया था वो खुद कह रहे थे कि सेकंड जो फर्स्ट पेपर आपने दिया था उसमें से 85-87% फंसा था। ये बिल्कुल आप सही बात बोल रहे थे सर। तो ये मुझे अभी उन्होंने कॉल करके मुझे कहा और उन्होंने मुझे पेपर भेजा है, ठीक है। तो सुप्रसाद जो शर्मा जी हैं उन्होंने इस पेपर को हमारे पास भेजा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो मेरे पास जो पेपर भेजा है वो शिव प्रकाश चौहान जी ने भेजा है, ठीक है। तो आप भी यार अपने देखो, जो भी पेपर हुआ करें आप उसके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करो, 7037, ठीक है, 3278 और 38, आप इस पर हमें सेंड कर दिया करो। और जो भी पेपर हुआ करें तुरंत आप सेंड करेंगे सभी लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको देखो, पहले तो सबसे पहले बीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, देखो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के पेपर एक जैसे ही होते हैं लगभग में, कुछ थोड़ा सा बदलाव होता है, खास बदलाव नहीं होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और 2022 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, वहीं पढ़ के चले जाइए, वहीं से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, नोट्स दे रखा है पार्ट के बारे में, आपको क्या क्या क्वेश्चन देखना है। यहां देखो कह रहा है, यहां देखो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड में देना पड़ेगा। 2 नंबर के हिसाब से 10 क्वेश्चन यदि आप देते हैं तो 20 नंबर का हो जाता है। ये बोल रहा है यदि हम पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां देख सकते हो कि जो स्विस के संविधान के बारे में, उनके प्रत्याहरण के बारे में क्वेश्चन दिया गया, वही क्वेश्चन फंसा है जो हमने दिया था। और ब्रिटेन के राजनीतिक दल के बारे में आपसे देखो, अमेरिका की शक्ति क्या है, उनका पृथक्करण किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन वहां हमसे पूछा गया। वहीं ब्रिटेन के और फ्रांस के प्रधानमंत्री के नाम यहाँ पूछ लिए गए, ये क्वेश्चन तो आप खुद हैरान करने वाला है कि फ्रांस के और जो कह सकते हैं जो फ्रांस था, ठीक है, और उसके ब्रिटेन के जो, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, अरे यार अब देख लो ध्यान से, उनके आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में जो अभी लड़ाई चल रही है उसके बारे में ही आपसे पूछ लिया कि इन दोनों के प्रधानमंत्रियों के नाम क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात की जाए, अब आप देख सकते हैं यहां बोला गया है जो स्विच बाहुल कह सकते हैं बाहुल कार्य जो कार्यपालिका है उसके सदस्य कितने होते हैं, उन सदस्यों के बारे में आपसे पूछा कितने सदस्य होते हैं, तो आप ये एक्सेल में पूछा गया। भाई यहां देखो बात की जाए, ये इंटरनेशनल आपसे गवर्नमेंट के बारे में पूछता है, ठीक है। अब यहां बात की जाए, अब देखो यहां देख सकते हो ध्यान से, पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन से संविधान से क्या लिया गया, क्या है वो सब कुछ। ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वहीं से क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप चैनल को देखो, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं हमारे वाले, तो आप इतना तो आप लिख के ले लीजिए कि पास होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो कहते हैं मैं बार बार फेल होता हूँ ना, बार बार फेल होता हूँ, उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है पेपर हैकर को सब्सक्राइब करना, ठीक है। उनका पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो और जो बताते हैं वही पढ़ो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है और बीएड भी करेगा तो बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा हाल ही में, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ बोला गया है स्विज जो सभी जो संघीय सभा होती है, स्विज की संघीय सभा होती है उसके अंग के बारे में और कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या के बारे में एक्सप्लेन करना था। वही बात की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया कि फ्रांस में जो प्रकाशीय कह सकते हैं प्रकाशीय जो न्यायालय था, प्रकाशीय न्यायालय के बारे में पूछा गया फ्रांस के। और वहीं फ्रांस की द्वितीय जो मतदाता प्रणाली थी वो कैसी थी, फ्रांस की मतदाता प्रणाली के बारे में। और अमेरिका में दबाव जो कह सकते हैं दबाव समूह की भूमिका क्या रहती है, ठीक है, जो प्रेशर जो होता है समूह ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप के, इन इंडिया इन अमेरिका, तो उसमें क्या रहता है। और साथ ही साथ ब्रिटिश के जो सम्राट हैं, ठीक है, उसके विशिष्ट अधिकार सम्मिलित आपको शक्तियाँ बताने हैं कि जो ब्रिटेन था, ठीक है, अभी जो हाल ब्रिटेन में लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो उसमें जो विशेष अधिकार क्या है उनके उस सम्राट के, तो वो आपको एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ देखिए बात की जाए यहाँ शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में, तो लघुत्तरी प्रश्न आपको देखो यहाँ पर बोला गया है सेक्शन नंबर बी में, तो यहाँ भी आपको सभी पत्र करना अनिवार्य है, वो भी 200 वर्ड में, लगभग में 2 पेज आपको भरना है। और यहाँ सिंपल बोला गया है, देख लीजिए आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करेंगे आप तो आपके 50 नंबर के हो जाते हैं,
मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यहाँ बोला गया है ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के पूरा क्वेश्चन फंसा है 10 नंबर का, देख लीजिए। ब्रिटिश समाज के बारे में पूरा मैंने संविधान की विशेषता बताई थी, और यहाँ बोला गया ब्रिटिश संविधान की विभिन्न जो विधि का शासन समझाइए, पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का वही फंसा है जो हमने हम लोग आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ बोला गया स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में, या फिर आप स्वयं कार्यपालिका के कार्यों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आपको थोड़ा एक बार आप पढ़ लोगे ना किसी क्वेश्चन को तो आप बना बना के कराओगे, मुझे पता है। आप वो यार इतने तो यार टैलेंटेड हो, ऐसा नहीं है जो पेपर हैकर पे पढ़ता है वो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल याद रखना, जो एक बार आप वीडियो देखोगे तो आप भरोसा होगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए, सही चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। सोचने की बात है, आप समझिए। और आपका भाई बहन कोई भी है तो उन्हें यार सही गाइड करिए, मेरे हिसाब से आपका दोस्त भी है तो भी गाइड करिए। यहाँ बोला गया है ब्रिटिश जो सम्राट है उनकी शक्तियों का वर्णन करना है, तो ब्रिटिश सम्राट की शक्ति कौन कौन सी है, और ब्रिटिश लॉर्ड जो कैसे लॉर्ड सभा की जो लॉर्ड सभा थे उनकी संरचना, उनकी शक्ति का वर्णन कर देना है। ये है आपके लिए नई चीज़, ये क्वेश्चन पूछा गया। और ब्रिटिश शक्ति पूरा क्वेश्चन वही फंसे हैं तो हमने इंपोर्टेंट दिए थे, बाहर कुछ नहीं आया, वो कह रहा था गलत कह रहा था यार, जिसने भी कहा है गलत कहा है, बिल्कुल वही बताया जो क्वेश्चन आया। देखो अमेरिका के जो सीनेट थे उनके कार्य की समीक्षा करिए, पूरा क्वेश्चन वही फंसा नहीं फंसा 10 नंबर का, बताओ। ये कह रहे हैं अमेरिका जो प्रतिनिधि सभा थे उसके रचना उनके कार्यों के बारे में, पूरा क्वेश्चन यार वही फंसे हैं, ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे कॉमेंट में, ठीक है। आपने गलत बोला, देखिए बेटा जो क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं देखे होंगे, मुझे लगता है फ्रांसिस एक कह सकता है एकात्मक शासन की व्यवस्था के बारे में, फ्रांस की जो एकात्मक शासन है उसके बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो, अब यहां ध्यान से आपको दिखाई देता होगा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में पूछा गया, वो पूछा गया फ्रांसिस राष्ट्रपति जो थे, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है। अब बताओ फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, बस कुछ नहीं इसमें। अब वो देखो आगे बार 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट है, 23-24 वाले, ध्यान से देख लेना, पेपर आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना, यहां कह रहा है दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं, 500 वर्ड में आंसर देना है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का आंसर दोगे 30 नंबर का हो जाएगा। अब यहां बोला गया है कि पहला क्वेश्चन जब पूछा गया 7वां, दो क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां बोला गया है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करना है, मतलब ब्रिटिश संसदीय जो व्यवस्था है उसका विस्तार से वर्णन करना है, कैसे करोगे वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करना है, मतलब ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उनके कार्यों का वर्णन करना है, क्या है ये वो आपको दिख रहा है। वही बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है फ्रांसिस संसद की, फ्रांसिस के जो संसद है उनके रचना आपको बतानी है, जो फ्रांस की संसद होती है, जो कह सकते हैं पार्लियामेंट होता है, उसकी आपको रचना बतानी है, वो किस तरीके से रचित होती है। जैसे कि हम भारत की यदि पार्लियामेंट की बात करें तो यहां क्या होता है, यहां जो होता है वो क्या, देखो राष्ट्र संसद किससे बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। वही आपको रचना एक्सप्लेन करना है और उसके कार्य क्या होते हैं वो आपको देख रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और यहां बताने वाला हूं, देखो यहां क्वेश्चन उसने जो पूछे हैं वो 7, 8, 9, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे हैं उसने से, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन कोई करना है, जो भी आपका दिल करे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखो ध्यान से, यहां बोला गया अमेरिका जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब अमेरिका का, उसकी रचना कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट बना है, उनकी शक्तियां क्या है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको देखना है। जैसे कि हमारा जो हमारा इंडिया की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 5 तरीके के रिट जारी कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यदि कोई हम लोग यदि कोई हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं, तो यह चीज बड़ी चीज होती है, ठीक है। अब वही बात करें भाई, हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट दोनों तरीके के जारी करता है, ठीक है। यहां बात के 11वां जो क्वेश्चन बोला गया वो स्विस संघीय जो सभा होती है उसकी रचना उनके कार्यों के विस्तार करना है, ये नई चीज है। तो 2022 का जो आपका पेपर हुआ था वो आपको यहां एक्सप्लेन किया गया है, तो आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, ऑफ द स्यूज, तो आपको ये क्लियर कर देना है कि जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वहां से आपको मिला है, बिल्कुल यहां मिला है। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो आपके पेपर में आए हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी, ओके।